एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज सबसे पहले मैं तारीख बता देती हूँ, दिन बता देती हूँ, टाइम बता देती हूँ। तो तारीख है 19 जून, दिन है बुधवार और 12:15 का टाइम हो रहा है और किसी का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि कोई मुझसे मिलने के लिए आ रहा है घर पे मोदी नगर से। और ये वीडियो आज इसीलिए ही बनाया जा रहा है, वरना मैं घर जाके ही अब वीडियो शुरू करती बनाना, क्योंकि तन्मय का थोड़ा तबीयत अभी ठीक है लेकिन फिर भी जो है वो तन्मय ने कुछ बनाया है, पपाया बनाया है। तो यहाँ पे मम्मी भी हैं, टीना भी है, सब हैं, गुड्डू, तन्मय, सब इंतजार कर रहे हैं उनके आने का। उन्होंने बोला कि हम मिलना चाहते हैं। मैंने कहा तो आ जाइए, अगर आप यहाँ से हो तो आ जाइए, कोई बात नहीं, मिलने में क्या है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम शाम में बताते हैं। फिर उनका शाम में 7 से 8 के बीच में फोन आया होगा, तो उस वक्त उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि हाँ वो लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। तो मैंने सोचा था 11:30-12 बजे तक वो लोग आ जाएंगे, लेकिन मैंने 10:30 कॉल किया तो उनको वो लोग मोदी नगर से जो है मोदी नगर पहुंचने वाले थे। 12:30 बजे के करीब का टाइम रहा होगा जब उन्होंने मुझे कॉल किया था कि वो लोग मेरे बताए गए एड्रेस पे पहुंच चुके हैं। उसके बाद मैं गली से निकल गई थी उन लोगों को मिलने के लिए, क्योंकि ये 2-3 गलियां हैं पास में, तो ये रहता है कि बंदा गलत गली में ना चला जाए। तो मैं बाहर आ गई थी और वो मुझे 1-1.5 मिनट में वहाँ पर मिल गए थे और उनको भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी घर ढूंढने में। और हमारी जो गली है ये थोड़ी ख़राब हो गई है क्योंकि यहाँ पे सीवर वगैरह का काम चला है, उसके बाद जो है थोड़ा रोड ऐसे ही हो गया है। और यहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं, उनके पापा हैं, अंशु है येलो कलर के ड्रेस में और उनकी मम्मी इधर सोफे पे है, उधर मेरी मम्मी है, बच्चे बैठे, हम सब बैठे हुए हैं। लेकिन कैमरा जो है, फ़ोन जो है इस तरीके से रखा था, उसमें सब लोग एक साथ नहीं आ पा रहे थे। तो मैंने कहा चलो पहले इधर से फिर उधर से जो है सबको ले लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। और किचन में नाश्ते की तैयारी हो रही है, चाय पानी की तैयारी हो रही है। टीना ने सब कुछ जो है बहुत ही अच्छे से संभाला, खाना भी अच्छे से जो है उसने बहुत ही टेस्टी बना रखा था। वैसे भी वो खाना बहुत टेस्टी बनाती ही है। और नाश्ता वगैरह, चाय पानी वगैरह सब उसने बहुत अच्छे से किया और बच्चे फुल खुश थे कि हमारे घर पे मेहमान आए हैं। बच्चों को अच्छा लगता है जब भी हमारे घर पे कोई आता है और सभी के बच्चों के साथ ऐसा होता है। और एक चीज़ और होती है कि जब कोई हमारे घर में आता है तो बच्चे थोड़ा सा इतराने लगते हैं, रोज़ाना वो शरारतें करें ना करें लेकिन उस दिन ज़रूर कुछ ऐसी ऊटपटांग हरकतें करते ही हैं। तो अभी यहाँ पर चाय पानी चल रही है और हम सब बैठ के यहाँ पे बहुत सारी चाय पीने के साथ साथ बातें भी कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग मोदी नगर से हैं। मोदी नगर से मतलब थोड़ा सा आगे इनका गांव पड़ता है और मेरी मम्मी भी जो है मोदी नगर से है, मेरा ननिहाल मोदी नगर से है। तो मेरी मम्मी होता है ना, जिस जगह से हम होते हैं तो उस जगह के बारे में अच्छे से हम बात कर पाते हैं, तो मेरी मम्मी अच्छे से बात कर पा रही थी उनसे। अंशु के साथ मुझे जो है बहुत अच्छा लगा बात करके। और हम लोग जो है 12:30 बजे से बात करनी हम लोगों ने शुरू करी थी सब ने, और 5:30 बज गए थे शाम के और बिल्कुल भी पता ही नहीं चला कि ये टाइम कैसे बीत गया। और फिर भी हम लोगों को लग रहा था कि चलो थोड़ी देर और बात करते हैं। और अंकल जी ने खाना नहीं खाया था, वो चले गए थे अपनी दीदी के यहाँ, क्योंकि अंशु के बहुत सारे जो है मामा या उनकी बुआ जी और जो है वो यहीं हापुड़ के आसपास रहते हैं, तो उनके पापा चले गए थे उनसे मिलने के लिए। और इस वक्त फिर हम खा रहे थे खाना क्योंकि खाने का टाइम ही था जब वो लोग आए थे, तो फिर हम लोगों ने जो है मिलकर खाना खाया। टीना, मम्मी, बच्चे पहले ही खाना खा चुके थे क्योंकि पहले हमने सोचा था कि हम लोग मिलकर खाएंगे, लेकिन जब देखा कि टाइम थोड़ा हो रहा है और मम्मी को दवाई लेनी होती है, उनकी तबीयत ख़राब रहती है, तो इस वजह से मैंने कहा मम्मी आप और बच्चे खाना खा लो। और टीना को भी मैंने खिला दिया था, सिर्फ मैं बची थी तो मैंने उन लोगों के साथ खाना खाया था। तो चलिए मैं आपको मिला देती हूँ कि वैसे तो आप मिल चुके हैं, आपने देख लिया है चाय पीते हुए, खाना खाते हुए, बात करते हुए। तो अभी जो है बोलिए कुछ। हाय। तो ये अंशु हैं, इनका भी चैनल है यूट्यूब पर, इंडियन ब्लॉगर अंशु नाम है इनके चैनल का और काफी अच्छा चैनल है।
जब इनसे मेरी बात भी नहीं हुई थी तब मैं इनका चैनल देख चुकी थी, काफी अच्छा चैनल है इनका और काफी प्यारी है ये। दी ने अभी बताया कि उन्होंने मेरी वीडियो पहली बार देखी थी, मुझे पापा रिश्ते में पूछ रहे थे कि वो तुझे पहचान तो लेगी, मैं कि नहीं उन्होंने मुझे आज तक यूट्यूब पे देखा नहीं, मैंने देखा हुआ है इनको और इनका मेल काफी टाइम से आया हुआ था, कल मैंने इनको कॉल किया इनसे बात की कि मुझे इनसे मिलना था और मैं हापुड़ी आ रही थी उस टाइम पे जब मैंने इन्हें मेल किया था, लेकिन ये बिजी थी काफी तो इन्होंने मुझे कल कॉल किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत टाइम तक तो भरोसा भी नहीं है ना। जब इन्होंने यकीन आ रहा था कि मैंने जब इन्होंने मुझे कॉल किया था तो मुझे ये समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं इनसे बात क्या करूँ। मैंने फोन मम्मी को दे दिया, मम्मी लो आप बात कर लो मुझसे, बोल रही थी दीदी मम्मी से इनकी मेरी बात हुई थी और इनकी मम्मी काफी अच्छी है, मतलब ऐसे लगती है आंटी तो सहेली टाइप्स लगती है ना आंटी से, काफी नेचर जो है बिल्कुल भी मम्मी वाला नहीं, किसी भी चीज के लिए कभी नहीं रोकती। ला रही थी कि मैं बहुत टाइम से आपको देखती हूँ बहुत टाइम से, पर कभी मैंने मैसेज नहीं किया, कभी भी नहीं किया कभी मैं इनको मैसेज मुझे यहाँ आने से पहले ही मिला था, कमेंट बॉक्स में आप कैसे कॉन्टेक्ट कर सकती हूँ, हाँ मैं हापुड़ से हूँ कुछ इस टाइप से लिखा था, तो मैंने इनको बोला था मेल करिए आप मुझे, इन्होंने मेल किया था मुझे, जो मेल मैंने कल चेक किया, उन्होंने मुझे मेल कल चेक किया और मैंने आज छोड़ दी थी कि दी मुझे कॉल करेगी या कुछ भी करेगी, मैंने झूठी है मेल नहीं देखा और देखा होगा अनदेखा कर दिया होगा कहीं मिलना ना पड़ जाए, लेकिन सच बताऊं तो मैं जब भी चेक करती हूँ मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ, तो फिर कल जब इनका कॉल आया भाई सच बता रही मुझसे बिल्कुल भी बातें नहीं हो रही, मैं तो बस ये सोच रही मम्मी को फोन दे दो मुझसे बात नहीं हो रही कि क्या बात करूं, और मेरा नेल पेंट इनकी ड्रेस से मैच हो रहा है। गुड्डू को बता रही थी ऐसे बड़े कर लो अपने क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा शौक है और मेरे बच्चे भी काफी घुल मिल गए हैं, बार बार बोल रहे हैं कि आज भी आज आप जाना, और तन्मय बिल्कुल ऐसे खेल रहा है गोदी में चढ़ना बातें करना, इनका फोन लेना फोन में जो है वीडियो कार्टून शार्टून देखना, काफी अच्छी फैमिली है इनकी, आप लोग जिस तरह मुझे सपोर्ट करते हैं इनको भी कीजिए कि भाई ये सानिया में जाते जैसे लगती है, ये मैंने टीना को कल बताया था, इनको पता भी नहीं है कि इनका चैनल मैं देख चुकी हूँ, कि वो जो कल आएंगी ना वो सानिया मिर्जा जैसी लगती है, इनकी मम्मी का मैं देख चुकी थी क्योंकि इनकी मम्मी का भी चैनल है इनका भी चैनल है और ये मेरे लिए भर भर के गिफ्ट लेकर आए हैं जो मैं आपको बाद में दिखाने वाली हूँ वीडियो के लास्ट में, और हालांकि मुझे बहुत गुस्सा आया तो यार एक बात बताइए मम्मी ने इन्हें बेटी का दर्जा दिया है तो बेटी के घर खाली हाथ नहीं आते, भाई मैं तो बोल रही हूँ ना मुझे तो कोई कितने भी गिफ्ट दे मुझे तो खुशी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता जी, मेरे को इतना अजीब लगा था मैंने कहा, और ये कपड़े शपड़े लेकर आए हैं इस तरह के वो बैग है मिठाइयाँ, मतलब यार मैंने कहा मिठाई ले आते कपड़े क्यों लेकर आए, कम से कम जब आप पहनोगे तो हमें याद तो करोगे कि भाई हाँ अंशु आई थी, और अगर दी अगर नेक्स्ट टाइम आएगी तो पक्का हमारे घर आएंगी, हाँ मैं जनवरी में जब आऊंगी हापुड़ क्योंकि अभी गर्मियां हैं अभी मैं जाने को कल परसों जाने वाली हूँ, हाँ मेरा जो है हो गया वापसी विदाई वापसी का टिकट कट लिया विदाई होने की तैयारी, दीना तुम्हें कैसे लग रहा है फिर, मुझे बहुत पता है मैंने कल दी से पूछा कि दी आप कब तक जाने वाले हो, दी ने बोला कि परसों या कल जाने वाले हैं, तो मैं बोल रही कि मुझे कल को ही जाना है फिर वो चले जाएंगे फिर घर, नहीं मैं रुक जाती एक दिन और रुक जाती जैसे अगर ये बोलते कि भाई आप जाओगे, क्योंकि मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है कि अगर मैं हूँ किसी से मेरी बात हो गई है वो मिलना चाह रहा है तो बिल्कुल आ सकते हैं वो, हाँ अगर कोई परेशानी हो जाए वो बात अलग है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने और मिलना था जो यूट्यूबर है प्राची नाम है उनका इंडियन देहरादून से, हाँ प्राची बहन जो उनका चैनल का नाम देखा था उनका वीडियो, तो हाँ उनको भी मुझसे मिलना था, इसलिए नहीं कि वो यूट्यूबर है या ये सब नहीं, वो मेरी फ्रेंड है इसलिए उनको मुझसे मिलना था, तो उस टाइम जो है हमारे घर में डेथ हो गई थी तो वो नहीं आ पाई थी, गुड्डू के बर्थडे पे आने का था, वैसे वो मुझे सरप्राइज देने वाली थी एड्रेस वगैरह सब दिया, उन्होंने अपनी वीडियो पे बोला भी था कि मैं सरप्राइज देने वाली थी, मैंने भी वहीं से देखा था कि वो मुझे सरप्राइज देने वाली थी, तो अच्छा लगता है मुझे किसी से भी मिलना, चाहे वो देखिए चाहे वो यूट्यूबर हो, अगर ये भी को बोल रही थी कि यूट्यूबर ना भी हो तब भी इनको मुझसे मिलना था क्योंकि इनको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं जेन्युइन लगते हैं, तो अच्छा लगता है आप जैसा नेचर इनका वीडियो में रियल में भी वैसे, ये चीज का सबसे ज्यादा डर था मुझे कि
जिसको मैं वीडियो में देख रही हूँ वो सामने से रियल है, वो कैसा है, नहीं वो रियल है, ये बिल्कुल रियल है और काफी सुंदर भी। जो भी कोई मिलेगा ना सबसे पहले देखना है सीरियसली आपको वीडियो से ज्यादा भी सब कहते है ना, कहते हैं वीडियो में से भी ज्यादा सुंदर आप रियल में लगती हो। आपको नजर उतारनी पड़ेगी भाई, आदि की नजर उतारनी लगेगी, थोड़ा इतराब हो। ऐसा कुछ नहीं है, सुंदर बंदा सुंदर दिल से होना चाहिए, इंसान को मन से होना चाहिए, खूबसूरती वो नहीं होती जो आईने में दिखाई, आप उससे भी हो तो वो चीज बड़ी है। क्योंकि आपको मानना पड़ेगा जैसा आपका नेचर है ना, सच बताऊं तो मैंने आज तक ऐसा कुछ देखा ही नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी कोई किसी से ना ही मिलता है ना ही सोचता है कि भाई मिलू ना मिलू। ये मुझसे पहले से है यूट्यूब पे, जून से इन्होंने स्टार्ट किया, तो शायद इनको मुझसे ज्यादा नॉलेज है यूट्यूब के बारे में, इसीलिए ये शायद इतना कुछ बोल पा रहे हैं, मुझे नहीं पता है इतना कुछ। मैंने अपने एक साल के उसमें मैंने खूब यूट्यूब जो पहले मैं देखती थी, लोग बाकी बदल जाते हैं, पता चलने पे कि ये यूट्यूबर है, चेंज हो जाते हैं उनका, जो कि गलत है। कि अगर आपको कोई, अगर आपके 1 लाख सब्सक्राइबर है, 2 लाख है, 50,000 है, और अगर आपको कोई 2,000 या 3,000 या 5,000 वाला या 10,000 वाला भी आपको मेल कर रहा है, मेल कर रहा है बड़े यूट्यूबर को, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हेल्प के लिए कर रहा है, आप उसको अच्छे भी लग सकते हैं। कल को मैं किसी बड़े यूट्यूबर को मेल करती हूँ जिनको मैं पसंद करती हूँ, तो जरूरी नहीं है कि मैं उनके पास सब्सक्राइबर बढ़वाने ही जा रही हूँ, ऐसा नहीं होता है। ऐसा जाता है कि यूट्यूबर हूँ ना, तो उस वजह सब सोचते हैं कि भाई अपने मतलब के लिए जा रही है। नहीं, मैं वीडियो शुरू कर लिया था सुबह, हमारी इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई थी यूट्यूब को लेकर, कि भाई यूट्यूब है, मेरा यूट्यूब चैनल है, ये है वो है, कुछ भी नहीं इनकी मेरी इस चीज को लेकर बात हुई है, अभी तक भी नहीं हुई है। ये तो जो ये भी है यूट्यूब पे, तो ये भी इन्होंने भी वीडियो बनाया है, मैं हूँ, मैंने भी शुरू किया है, और अच्छा लगता है कि कोई मिलने आए हम उसको अपनी वीडियो में ले, और वीडियो होता जा रहा है काफी लंबा। तो अभी मैं आप लोगों को करती हूँ बाय बाय, आपको इन लोगों के लाइव एक गिफ्ट दिखाने हैं, तो तब मिलती हूँ मैं आपसे, तो बाय। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ। बाय अंकल जी, नमस्ते। बाय बाय बाय। वो उन लोगों को गए हुए काफी टाइम हो गया, टीना चली गई थी भागवत कथा में, इसको मच्छर लग रहे हैं, ऊपर मच्छर है नहीं, यहाँ कमाल की बात यह कि ऊपर छत पे मच्छर नहीं है, नीचे मच्छर लगते हैं। इतने सारे गिफ्ट लेकर आए हैं वो मेरे लिए, ये देखो, मैं मम्मी को बोल रही थी मम्मी खोल कर दिखाओ, एक सूट ये है वो मेरे लिए लेकर आई हैं, आंटी जी बोला है बेटी हो तुम हमारी बेटी की तरह हो, तो एक सूट ये है, और आज काजल लगा लिया ना, तो जो है काजल चेहरे पे आ रहा है और काला काला हो रहा है, एक सूट ये है, एक सूट ये है, और अगर वो देख रहे हैं तो मैं, यार मेरे को बहुत अजीब लगता है तुम इतना सब कुछ क्यों लाए, एक साड़ी ये है, और बिंदी बड़ी प्यारी है इस साड़ी पे, ये साड़ी है, रुमाल वगैरह लगा हुआ है, और ये विपिन का जोड़ा लेकर आए हैं, बिल्कुल जिस तरह एक बेटी को देते हैं ना, विदा करते हैं देते हैं, उस तरह जो है वो लेकर आए हैं। ये गुड्डू का टॉप है, ये गुड्डू के लिए वो टॉप लाए हैं, और तन्मय के कपड़े हैं, और काफी अच्छा जोड़ा है इसके साथ, ये है अजा, अब आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का टाइम। टीना अभी मंदिर से आई है, टीका वीका लग रहा है उसको, झांकियां निकली थी, मैं वहां का जो है वीडियो बनाती, लेकिन तन्मय डर रहा था, झांकियां जो निकली हुई थी नंदी वगैरह की, तो वो सब देख के तन्मय डर रहा था, वो यहाँ भी डर रहा था क्योंकि मंदिर बराबर में है तो आवाजें आती हैं। अब करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।